सालों से यूपी पुलिस में जाने के लिए तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन खबर आई है, क्योंकि जल्द ही योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी पुलिस में बंपर भर्ती का ऐलान करने वाली है। देखिए, कुछ लोग यूपी पुलिस में सेवा के लिए जाना चाहते हैं, कुछ लोगों को वर्दी अच्छी लगती है, तो कुछ परिवार के सपने के लिए जाते हैं, तो कुछ जो एक कंटिन्यू सरकारी महकमा होता है उसमें उनका जाने का सपना होता है, लेकिन इस वजह से वो पुलिस की जॉब को प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे में पूरी खबर से पहले आप क्या पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं और कमेंट करें कि भाई आपको पुलिस क्यों ज्वाइन करना है और वर्दी से कितनी दिलचस्पी है आपकी, क्योंकि बहुत ज़रूरी सवाल है आजकल के पुलिस में जाने वाले लोगों के लिए, क्योंकि आजकल की पुलिस व्यवस्था लचर है, वो आप सभी को पता है। अब खबर पर आते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी की तलाश करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जल्द ही बड़ा मौका हाथ लग सकता है, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से 67,000 पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में 52,000 पदों पर कांस्टेबल की भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए 12वीं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। माना जा रहा है कि भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 नवंबर यानी कि दिवाली बाद जारी किया जा सकता है, यानी दिवाली बोनस भी हो सकता है आप सभी के लिए, क्योंकि सारे लोग भर्ती तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ की चांदी या लॉटरी कह सकते हैं वो लग सकती है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन को लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सूत्रों की माने तो भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का ऐलान 1 से 2 दिन में ही किया जा सकता है। ऐसे में भाई सलाह है कि नोटिफिकेशन पर नजर बनाए रखें और वन इंडिया को सब्सक्राइब करके रखें। पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्तियां लिखित एग्जाम, फिजिकल एग्जाम, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होता है जैसे पहले से वही सेम प्रक्रिया है। अब रही बात किन पदों पर ये सारी वैकेंसी है, तो पहले ही मैंने बताया कांस्टेबल के लिए कितनी है। फिलहाल जो अभी है भर्ती के लिए उसमें 2469 सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्तियां की जानी है। वही 52,699 कांस्टेबल एवं समकक्ष पदों पर। रेडियो संवर्ग में 2430 है, लिपिक संवर्ग में 545 के आसपास है। कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर बात करें तो 927 भर्तियां की जाएंगी। अधिक जानकारी जो अभ्यर्थी हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे इसके बारे में। लेकिन सवाल यह था कि जो इतने दिनों से अधर में भर्तियां लटकी थी, जो युवा थे वो लगातार तैयारी कर रहे थे और अपना जो पसीना है वो बहा रहे हैं घर से दूर रहकर, ऐसे में उन सभी के लिए ये कहीं ना कहीं एक ऐसी खबर है जो खुशी दे सकती है। बता दें कि टीचर्स को लेकर भी अब वैकेंसी नहीं आ सकती, ऐसी कुछ खबरें हैं। हालांकि अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितनी पदों पर होंगी, कैसे होंगी। ऐसे में आप क्या अभी तक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, कर तो रहे होंगे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या सोचते हैं आप योगी सरकार को लेकर वैकेंसीज के मामले में कैसी है, वो कमेंट करके बताएं। मैं था आपके साथ दिव्यांशु सिंह, देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।